नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम किसानों की आवाज़ उठाता है। अगर बात की जाए अफीम किसानों की बात की जाए या फिर बात की जाए लहसुन किसानों की बात की जाए या प्याज किसानों की बात की जाए, तो उन किस तरीके से उनको भाव मिलते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। लगातार पिछले 3 दिन से हम मंडी आ रहे हैं, मंडी में लहसुन के भाव बता रहे हैं, प्याज के भाव बता रहे हैं, किस तरीके से किसानों को आने जाने का भाड़ा नहीं निकल रहा। अगर बात की जाए तो बीती रात से बारिश गिर रही है, बारिश के चलते जो है मंडी में किस तरह के हालात है ये भी मैं बताऊँगा। मेरे सहयोगी आसिफ को कहूँगा पहले तस्वीरें बताएं किस तरीके से मंडी सुनसान है और पूरी तरीके से मंडी भीगी और गीली है, जहाँ पर प्याज बड़ी संख्या में यहाँ पर ढेर लगे रहते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई किसान जो है प्याज गीले होने के चलते यहाँ छोड़ के भी चले गए हैं, क्योंकि भाव भी जो मैं आपको बता दूँ प्याज के, तो प्याज के भाव नीचे में 100 रुपये क्विंटल है और ऊपर में 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो है भाव प्याज के मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों को आने जाने का भाड़ा नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो प्याज पहले जो आम जनता थी उनको खून के आंसू रुला रहा था, लेकिन इस वक्त जो प्याज है किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। ऐसे में किसान हमारे साथ मौजूद है, प्याज किसान, उनसे बात करें किस तरीके से वे यहाँ पर बीती रात से यहाँ रुके हुए हैं और बात की जाए तो बारिश के चलते किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा। कहाँ के किसान हैं आप और किस तरीके की परेशानी आपको हो रही है? देवप्रद चाव धनी। किस तरीके से प्याज क्या भाव है और प्याज के क्या रेट चल रहे हैं? क्या 2 रुपये से 15 रुपये किलो। तो आप कब से आए हुए हैं, किस तरीके से आपकी नीलामी कब होगी, क्या आपको खबर है कुछ? रात को 12:30 ही आया हुआ था। बारिश गिर रही, क्या कहेंगे आप? बारिश तो गिर रही नहीं। मंडी की व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था तो ठीक है, खाली कर पाई जगह को नहीं है छपरा में। क्या ये किसान प्याज भी खाली कर रहे हो, यहाँ पड़े में गिर गए तो क्या छोड़ के चले गए? छोड़ के चले गए। आप क्या कहेंगे किस तरीके के प्याज के भाव मिल रहे हैं और क्या आप खुश हैं प्याज के भाव से? नहीं, कुछ नहीं है, अच्छे भाव नहीं मिल रहे प्याज के। कब से आए और किस तरीके से आप सामना करना पड़ रहा है मंडी में? कम से कम 12 घंटा से आ गए हैं, बहुत परेशानी आ रही, बारिश आ रही है, व्यवस्था अच्छी नहीं है। और कई प्याज हम देख रहे हैं रो यहाँ पड़े हुए खुले आसमान के, गीले भी हो गए, छोड़ के चले गए कई किसान। किसान चले गए, छोड़ के चले गए, क्या करें, ले नहीं रहे तो क्या करें इनको? भाव क्या है? भाव भाव है कुछ नहीं, 100 रुपये है क्विंटल के। 100 रुपये क्विंटल और ऊपर से 10-12 बैस 10-12 रुपये किलो है ना। हाँ, तो क्या मानते क्यों ऐसे एकदम ऐसे भाव क्यों गिर गए? इनकी मनमानी चल रही है, इनको मालूम है गिले हो गए हैं, चाहेंगे जो ले लेंगे बेस, और क्या है। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं किसानों का कहना है कि भाव जो है बहुत कम मिल रहे हैं, किसानों को भारी परेशानी हो रही है। खासकर अगर मंडी की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर भी हम आपको बताते हैं कि जहां पर किसानों का माल होना चाहिए वहां पर किसानों का माल नहीं होता, जहां पर व्यापारियों का माल होना चाहिए वहां व्यापारियों का माल होना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से हम कहते हैं कि मंडी में आप देख सकते हैं कोई व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले में प्याज पड़ा हुआ है, किसान छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उस तरीके से गाय ढांडे और जो पशु है उसे वो खाते हुए आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार आप और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मंडी में व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। साथ ही अगर बात की जाए तो कई पा रहे होंगे ये ढेर सामने पड़ा हुआ है, यहाँ पर भीग चुका है ये लहसुन, प्याज भीग चुका है। ऐसे में इस प्याज को जो यहाँ पर किसान छोड़ के जा चुका है, अगर वहीं बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाय ढांडे भी इसको जो है प्याज को खा रहे हैं। ऐसे में किसानों को जो प्याज का मूल्य मिल रहा है, जो भाव मिल रहे हैं किसानों को प्याज का, वह प्याज का भाव सही नहीं है किसानों का कहना है। साथ ही अगर बात की जाए भाव की बात की जाए तो भाव प्याज के भाव नीचे में 1 रुपये बताए जा रहे हैं, ऊपर में 12 रुपये बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो प्याज जो पहले जो प्याज खून के आंसू रुला रहा था वह प्याज अब किसानों को खून के आंसू रुला रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाव किसान को मिलने चाहिए, आने जाने का भाड़ा निकलना चाहिए, लेकिन वो भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में किसानों को भारी परेशानी हो रही है। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश को लेकर भी किसानों में भारी नाराजगी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यवस्था मंडी की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसानों के उपज को बचा सके। अगर बारिश आ जाती है तो रात से किसान यहाँ आए हुए हैं और उनको व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या हालत है? इसकी बोली नहीं लगी और बोली लगाने वाले को बुलाया तो वो बोला बाद में लगाएंगे बाद में लगाएंगे और आए नहीं। कई भाव मिल रहे हैं नीचा में ऊपर में, गीला हो गया है तो अब तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप ही छोड़ दोगे इसको? तो बिगड़ेगा ये तो क्या होगा, भाड़ा लगा के लाया वही नहीं आया अब तो। कितना भाड़ा लगा आपका? इसका भाड़ा लगा 7 कट्टे था और 500 रुपये दे के लाया। और अब ये प्याज क्या भाव, ऊँचे में भाव क्या मिल रहा है, नीचे में भाव क्या मिल रहा है? ऊँचे में तो 13-14 मिला, पर वो ये तो बिका ही नहीं, ये 5-4 रुपये भी नहीं बिका है। तो अब इसको छोड़ दोगे आप? हाँ, छोड़ देंगे। अभी हमने आपको बताया था छपरे से बाहर जिस तरीके से माल पड़ा हुआ है, प्याज पड़ा हुआ है, वहाँ पर कई किसान बीती रात जिस तरीके से बारिश हो रही थी उसके बाद छोड़ के जा चुके हैं। उसे आप देख पा रहे हैं कि आवारा पशु और जो कुछ लोग हैं उसको, जो छोटे लोग हैं, बीनते हुए दिख रहे थे आपको। अगर बात की जाए तो अब हम छपरे के अंदर आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है जो किसान मेरे साथ मौजूद है। अगर उसकी बात माने तो लगातार जिस तरीके से लहसुन प्याज और तमाम जो किसानों की उपज है उसके भाव गिरते जा रहे हैं, किसानों को भाव सही नहीं मिल रहे हैं। अगर बात की जाए तो
लहसुन अब प्याज अभी मेरे साथ देख पा रहे हैं तस्वीरों में, मेरे सहयोगी आसिफ बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्याज पड़ा हुआ है। खासकर बात की जाए तो बीती रात से यहाँ पर बारिश हो रही थी, जिस तरीके से नीमच में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था, तो दूसरी तरफ ये प्याज पूरी तरीके से भीग चुका है और तू पूरी तरीके से गीला हो चुका है। अगर जिस तरीके से लगातार हम जो जानकारी हमारे पास निकल के आती है तो माना जाता है कि मंडी में जिस तरीके से व्यापारी अगर कुछ उपज गीली हो जाती है तो उसके भाव लगातार आधे हो जाते हैं, यानी कि माना जाए 12 रुपये हैं तो वो 6 रुपये हो जाएगा, तो किसानों को घाटा भारी होता है। क्योंकि यहाँ मंडी व्यवस्था की बात की जाए तो मंडी में व्यवस्था किसानों के लिए एक समान होनी चाहिए, चाहे अगर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए भी एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार आप देख पा रहे हैं कि मंडी में जहां पर किसानों का माल होना चाहिए वहां पर किसानों का माल नहीं होता, और जहां पर व्यापारियों का माल होना चाहिए वहां पर व्यापारियों का माल नहीं होता। ऐसे में बात करेंगे किसान हमारे साथ, और भी आप देख पा रहे हैं कई किसान मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसानों से पूछेंगे, किसानों से जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही है। प्याज किसान मेरे साथ मौजूद है, प्याज किसान से बात करते हैं, कहाँ के किसान हैं आप? सुवाकेड़ा गाँव। किस तरीके से आपको भारी परेशानी हुई माल? मैंने सुना कि आपको माल पहले बाहर था, फिर आपको अंदर आया। कल शाम को आया यहाँ में और बाहर से अंदर डाला, पहले बाहर ढेर किया फिर अंदर डाला, अभी तक तो कोई नहीं है। नहीं तो ये तो गीला हो गया आपके। हाँ, क्या करें हम? क्या भाव क्या मिल रहा है अभी? भाव की जानकारी भी होगी कि किसका वो भाव तो क्या है? कुछ नहीं है भाव, तो 10-12 रुपये, कोई 5-6 रुपये बस। क्या आपको लगता है इतने बड़ी मंडी में सिर्फ आपका ढेर दिख रहा है, यहाँ पर लेने आएगा व्यापारी लेने आएगा? नहीं दिख रहा, नहीं आएगा। हाँ। तो फिर क्या छोड़ के जाएंगे? इसके अलावा आने जाने का भाड़ा भी? बहुत सारे छोड़ के चले गए। हाँ। ऐसे ही हाल हो रहा है, हम भी चले जाएंगे, ऐसे ही हो रहा है। तो ये किसान थे जिन्होंने बताया कि अगर नई नीलामी नहीं होती तो वे भी छोड़ के जो जा चुके हैं जाएंगे, लेकिन अब और भी किसान से बात करते हैं, क्या कहते हैं किस तरह के भाव आपको मिल रहे हैं? श्रीमान जी, हमको ऐसे भाव मिल रहे हैं कि कभी लाइफ में मिला ही नहीं होगा, किसी किसान को मिला होगा। हर किसान की हालत है इस समय कि वो जहर खाने के काबिल हो रहा है, कहने का मतलब है मेरा। तो हमारे जो मामा जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी जो स्थिति मंडियों में बन रही है वो सारी स्थितियों को देख के, अपने अधिकारियों को बोल के सारी स्थितियों को सारा काबू पाया जाए, थोड़ा सा किसान को भाव मिले। इसकी लागत भी निकल रही है, हमारी मेहनत भी निकल रही है, हम क्या करें? 6 महीने हम खेतों में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे करके यहाँ फसल लाते हैं, हमारी फसल का भाव मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे हम? कहाँ के किसान हैं आप? हम जीरापुर के हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से वाई एमपी एक मुद्दा लगातार उठाता आ रहा है कि जब किसान की उपज किसान के खेत में रहती है तो उसके भाव बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब वो किसान की उपज खेत से निकल के मंडी आती है तो उसके भाव आधे हो जाते हैं। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि एक समर्थन मूल्य होना चाहिए, साथ ही इस बात की भी बात होनी चाहिए कि आखिर ये बिचौलिए कौन है बीच के, जो जब किसान के खेत में उपज होती है तो उसके भाव बड़े होते हैं, लेकिन जब वो खेत से निकल के मंडी आ पहुँचती है तो उसके भाव गिर जाते हैं। इस पर भी सरकार को या स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आखिर बीच के बिचौलिए कौन है, क्योंकि किसान के भाव एक समान मिलने चाहिए। किसान अन्नदाता है, सरकार अन्नदाता कहती है, लेकिन अन्नदाता के हालात कैसे हैं आप खुद देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया किस तरीके प्याज बिक चुका है, किसान छोड़ के जा चुके हैं, अब वो प्याज ना उसको किसान को आने जाने का भाड़ा तो छोड़ो, वो यहाँ लाना ही उसको मुश्किल हो गया चुका था। तो इस तरीके से लगातार जिस तरीके से हम आपको बताते आ रहे हैं कि अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही इस तरह की हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे हैं वॉइस एमपी पर। ये था अब तक का अपडेट। जय हिंद, जय भारत।